लोकसभा चुनाव से जुड़ी छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 8 सांसदों की टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। जी हां, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, जांजगीर चांपा, दुर्ग के जो सांसद है, हालांकि दुर्ग के सांसद विजय बघेल को फिर से मौका मिल सकता है। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम को एक बार फिर से बीजेपी चौंका सकती है इसको लेकर, लेकिन किस किस का टिकट कटेगा ये बड़ी बात है। जी हाँ, बड़ी बात है, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं, 8 सांसद ऐसे हैं जिनकी टिकट काटने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्दी ही प्रत्याशियों को फाइनल करना चाहती है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर 8 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार मंथन किया जा रहा है, और पहले भी ये कहा जा रहा था कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, तो 8 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी जो है की जा रही है। तो आपको बता दें कौन कौन से नाम है वो, तो किस किस का टिकट कट सकता है। देखिए, रायपुर से सुनील सोनी, जिनका टिकट काटा जा सकता है, बिलासपुर से अरुण साव, जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले, रायगढ़ से गोमती साय, सरगुजा से रेणुका सिंह, तो लगातार आपको नाम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, बिलासपुर से अरुण साव, जिनका टिकट काटा जा सकता है, चांपा से गुहाराम अजगले, जांजगीर चांपा से जिनका टिकट काटा जा सकता है, तो रायगढ़ से गोमती साय का भी टिकट काटा जा सकता है। 8 सांसद जिनके टिकट काटने की तैयारी कर रही है बीजेपी, सरगुजा से रेणुका सिंह, इसके अलावा राजनांदगांव से संतोष पांडे, कांकेर से मोहनलाल मंडावी और महासमुंद से चुन्नी लाल साहू, जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, रायपुर से सुनील सोनी, बिलासपुर से अरुण साहू। तो देख, तमाम जो है ये नाम जो आपको बता रहे हैं, इनके टिकट काटे जा सकते हैं और बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, जैसे कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कुछ चौंकाने वाली बात हो सकती है, और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, आप दे रहे हैं 8 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी है, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं काफी बड़े हैं और काफी मशहूर लोग हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी हर समय जब भी अपनी लिस्ट जारी करती है तो चौंकाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको 2019 में लिए चलता हूं, 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 9 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी, 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अभी उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो 9 लोकसभा सांसद जो जीत कर आए थे भारतीय जनता पार्टी से, उनमें 8 की टिकट खतरे में है, ये बहुत साफ है। केवल दुर्ग सांसद विजय बघेल का फिलहाल सेफ साइड में वो नजर आ रहे हैं, और कुछ कुछ राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, बाकी सभी सांसदों की टिकट काटने की तैयारी है। इस बार फिर चौंकाने वाली लिस्ट सामने आएगी। देखिए, रेणुका सिंह विधायक बन चुकी है, तय है उनका टिकट कटना। गोमती साय जो रायगढ़ से सांसद है, वो विधायक बन चुकी, टिकट कटना तय है। अरुण साव जो सांसद रहे हैं बिलासपुर से, उनकी टिकट कटना तय है, क्योंकि वो अब डिप्टी सीएम बन गए, ये तो खैर वो वाजिब चीजें हैं। लेकिन रायपुर सांसद, महासमुंद सांसद, कांकेर सांसद, ये तमाम लोगों की टिकट 200% कटना तय मानी जा रही है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी। और ये भी बताया जा रहा है, नया चेहरा इन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी देने की तैयारी कर रही है। जो 2 लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, कोरबा और बस्तर, यहां पर भी जो पहले प्रत्याशी थे, ज्योति नंद जो कोरबा से प्रत्याशी थी, महिला थी, और जो बस्तर से प्रत्याशी थे बैदूराम, ये दोनों भी चेंज किए जाएंगे। मतलब टोटल इन ऑल मंगा लें तो 2019 में जो 11 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, उसमें 10 नाम बदले जाएंगे। अभी फिलहाल 9 सांसद हैं, उसमें 8 सांसदों के टिकट कटना तय माना जा रहा है, बड़ी खबर है। और यह भी जानकारी सामने आ रही कि मार्च फर्स्ट वीक के पहले लिस्ट आने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज बैठक में बातचीत जरूर हुई है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नहीं थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही नामों पर अंतिम मुहर लगती है, तो फिलहाल कम से कम अभी 8 से 10 दिन इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन ये तय माने जा रहे हैं इस बार 9 सांसदों में से 8 सांसदों के टिकट, और खास तौर से 8 की मैं बात कर रहा हूं, संतोष पांडे को उइफ एंड बट्स चल रहा है, लेकिन बाकी सभी सांसद, और एक प्लस पॉइंट पे चल रहे हैं दुर्ग से विजय बघेल, बाकी सभी सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है ललित जी।
बिल्कुल आदित्य जी, यानी कि बड़ी संख्या में है, ये कह सकते हैं कि 9 में से 8 यानी कि सभी के सभी लगभग एक को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ी संख्या में चौंका सकती है बीजेपी। और जैसे कि आप खबर दे रहे हैं, कुछ दिन का इंतजार करना होगा और उसके बाद सब स्थिति फाइनल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर आपको बता दें, जो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे, 8 सांसद जिनके टिकट काटने की तैयारी बीजेपी कर रही है, लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कौन कौन से सांसद जिनके टिकट काटे जा रहे हैं। महासमुंद से चुन्नीलाल साहू जिनका टिकट काटा जा सकता है, इनमें से बहुत से जो है विधानसभा से लड़े और इस वजह से टिकट काटा जा रहा है। अरुण साहू डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो तमाम वो लोग भी हैं जिनके काटने वाजिब माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट काटा जाएगा, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे।